तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि YouTube की तरफ से हर साल एक फैन फेस्ट होता है, और आप लोगों को ये भी पता है कि इस साल कोरोना की वजह से कहीं पर भी कुछ अच्छी तरह नहीं हो पाया। सो इसी वजह से इस साल का जो फैन फेस्ट है YouTube की तरफ से अभी तक नहीं हो पाया, और फर्स्ट टाइम इस साल कोरोना की वजह से यूट्यूब का फैन फेस्ट ऑनलाइन अटेंड होने वाला है, और इसका डेट ऑलरेडी हो चुका है, 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप फैन फेस्ट में रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे आप जोड़ सकते हैं फैन फेस्ट के साथ, और कैसे उसका मजा ले सकते हैं। आई मीन फैन फेस्ट के अंदर बहुत सारा नॉलेज दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक बोला जाता है जिससे कि हम लोगों का चैनल ग्रो करने में बहुत ज्यादा मदद मिलते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शायद ये बात आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप फैन फेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपके चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना जरूरी है। लेकिन देखिए, हर साल बहुत सारा क्रिएटर नए क्रिएटर के साथ ऐसा होता है कि उसके पास 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन पैसा की वजह से वो कहीं पर जा नहीं सकते। आई मीन जहाँ पर फैन फेस्ट होता है वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। लेकिन इस बार ऑनलाइन अटेंड होने वाला है, तो इसी वजह से सभी लोग, अगर आपके चैनल में भी 1000 सब्सक्राइबर है तो आप भी शामिल हो पाएंगे। तो चलिए अभी सीख लेते हैं कि फैन फेस्ट में कैसे रजिस्टर करना है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को तो भाई ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिले। तो जब भी आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर बहुत कुछ मेंशन है क्या क्या होने वाला है। इसके अलावा नीचे आपको देखने को मिल जाएगा 1 अक्टूबर से शुरू होगा, इसका डेट यहाँ पर मेंशन है। उसके नीचे ही रजिस्टर का बटन देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे और एक ऑप्शन है 1 अक्टूबर लिखा हुआ है, और उसके नीचे जो टाइम लिखा है यहाँ पर बहुत कुछ मेंशन है। आई मीन कौन सा टाइम पर कौन से बंदा क्या क्या बात करने वाला है, कौन से टॉपिक पर बात करने वाला है, कौन सा टाइम पर, ये सभी कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो वहाँ से आप बेसिक्स कुछ इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, देन आपके सामने क्लिक करने के बाद ही इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक तो है कंटिन्यू विद गूगल और दूसरा है कंटिन्यू विद ईमेल। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपके यूट्यूब अकाउंट जिस ईमेल अकाउंट से है उसी ईमेल अकाउंट को यहाँ पर, ईमेल आईडी को यहाँ पर डालना है। डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी और आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल का पासवर्ड सब कुछ डाल देना है। ये सब कुछ डाल देने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और यूट्यूब चैनल लिंक, यूट्यूब चैनल का नाम और यूट्यूब चैनल का आईडी जो है उसे भी डालना है। तो यहाँ पर एक बात कंफ्यूज हो रहा है कि आईडी कहाँ से मिलती है, तो पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आईडी कहाँ से फाइन करना है, क्योंकि ये अगर नहीं बताऊँगा तो बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर पाएगा। तो चैनल का आईडी निकलने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर से डेस्कटॉप साइट पर जाके अपना चैनल ओपन करना है, देन आपके चैनल का जो लोगो है वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको YT स्टूडियो में क्लिक नहीं करना है, योर चैनल पर क्लिक करना है। जब ये योर चैनल वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जब आप कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको करना क्या है, फिर से आपको आपका चैनल का जो लोगो है वहाँ पर क्लिक करना है। तो वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो वाइट यूट्यूब स्टूडियो के राइट साइड में आपको 6 चेंज का बटन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में आपको बहुत कुछ सेटिंग्स दिख रहा है, अकाउंट नोटिफिकेशन तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको सबसे नीचे जो एडवांस सेटिंग दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर यूजर आईडी, चैनल आईडी, चैनल URL, मूव चैनल, तो बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर पर चैनल आईडी का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर चैनल आईडी लिखा हुआ है, और राइट साइड में ही आपको कॉपी का बटन दिखेगा, जस्ट कॉपी के ऊपर क्लिक करना है, देन उसे चैनल आईडी की जगह पर डाल देना है। और उसके बाद हम लोगों को ऑप्शन मिल जाते हैं सब्सक्राइबर काउंट, आपके चैनल में अभी एग्जैक्टली कितना सब्सक्राइबर है, 1 से 1000 से 50000 के बीच में, या फिर 50 से 1 लाख के बीच में, या फिर 1 मिलियन से ऊपर है, तो जितना है आप डाल दीजिए यहाँ पर। उसके नीचे आते ही हम लोगों का कैटेगरी, आई मीन कौन सा कैटेगरी का चैनल है, तो मेरा टैग कैटेगरी चैनल है, तो मैं एक टैग डाल दिया हो। उसके नीचे ही ऑप्शन आ जाती है हम लोग के पास स्टेट का, तो स्टेट यहाँ पर डाल दीजिए जो भी स्टेट है आप। उसके नीचे जो बॉक्स आप दिख रहा है यहाँ पर, आपके पास अगर कोई भी सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि आपको इस साल की यूट्यूब फैन फेस्ट के बारे में जो खबर मिला है, एक कहाँ से खबर मिला है, यूट्यूब की नोटिफिकेशन से, स्टूडियो नोटिफिकेशन से, या फिर ईमेल से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, या फिर अदर। आप ये भी बोल सकते हैं कि टेक्निकल अलम यूट्यूब चैनल, फ्रॉम टेक्निकल अलम यूट्यूब चैनल, तो अभी आप यहाँ पर डायरेक्ट डाल सकते हैं अदर पर क्लिक करके। उसके बाद आपको जो नीचे दिख रहा है एग्री, तो एग्री पर क्लिक करके आपको इसे एग्री कर देना है।
यहाँ पर और दो ऑप्शन आ रहा है यस और नो, तो आपको यहाँ पर यस दबाना है। यस दबा के आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, वो आपका फैनफेस्ट में जो रजिस्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों ये था कुछ सिस्टम फैनफेस्ट में रजिस्टर करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को अभी कभी लाइक और शेयर करते हुए कॉमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना, हम मिलेंगे सुनने वीडियो के साथ। तब तक लाइक, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।